पावर हाउस बस स्टैंड के समीप वर्षों पूर्व बनाए गए सुलभ शौचालय का शुरू हुआ सौंदर्यीकरण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। कार्य पिछले 9 महीनों से जारी है, जिससे सुलभ का लाभ आसपास के दुकानदारों और बस स्टैंड आए लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पावर हाउस के समीप बने सुलभ शौचालय का उपयोग बस स्टैंड आए यात्रियों सहित आसपास के व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इस सुलभ शौचालय का सौंदर्यीकरण कार्य पिछले 9 महीनों से जारी है, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है। सुलभ शौचालय में बैठने मुर्गा सीट की हालत भी अभी तक नहीं सुधारी जा सकी है। सुलभ के बड़े ग्रिल गेट को तोड़कर छोटे से ग्रिल गेट को लगाने तथा केयर टेकर के बैठने वाले सीमेंटीकरण भवन को तोड़कर यहाँ टीन का शेड डालने का कार्य किया जा रहा है। वर्षों पूर्व बनाए गए इस सुलभ शौचालय का लाभ बस स्टैंड आए यात्रियों और आसपास के दुकानदारों को वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई के वार्ड क्रमांक 38 क्षेत्र के पंडित रविशंकर शुक्ला मार्केट तथा पावर हाउस बस स्टैंड का एकमात्र बना हुआ सुलभ शौचालय आज करीब 9 महीने से सौंदर्यीकरण के नाम पर बंद करके रखा गया हुआ है। और सौंदर्यीकरण के नाम पर जो 5 लाख रुपए से अधिक जो बजट बना के राशि किया जा रहा है, ये केवल जो अच्छे खासे सुलभ शौचालय बना हुआ था उसका केयर टेकर जहाँ बैठते थे उस बने हुए केयर टेकर के निवास जो पक्का छज्जीकरण था उसे तोड़कर एक टीने का सेट डालने का कार्य किया जा रहा है। और ये 9 महीने से जो कि सुलभ शौचालय का मुख्य जो मुर्गा है उसकी हालत किस स्थिति में है उसे देखने और शब्दों में बयान किया जाना कम है। आज भिलाई नगर निगम में किस तरह से रुपयों की बर्बादी हो रही है और किस तरह से जनता त्रस्त है, जिसके चलते आज एक सुलभ शौचालय जो कि इंटरनेशनल सुलभ शौचालय जो भिलाई का पहला सुलभ शौचालय है आज 9 महीने से बंद है। और सौंदर्यीकरण के नाम पर लोगों को जहां परेशानी की जा रही है वही रुपयों की बर्बादी की जा रही है। अभी केवल दिखावा के लिए, क्योंकि 1 तारीख आने वाले हैं, केवल नाम मात्र के लिए आप खुद देख सकते हैं कि एक टीने का सेट डाल दिया गया है और भीतर में जहां की केयर टेकर का विश्राम गृह स्थल है वहां पे आज भी पूरी रूप से पानी का सीपेज चल रहा है। वही पीछे में आप देख सकते हैं कि जो मुर्गे हैं जहाँ पर लोग मूत्रालय करते हैं उसकी स्थिति ऐसा है कि मतलब शब्दों में बयान किया जाना कम है। वही महिलाओं के जो शौचालय है और पुरुषों का शौचालय है वहाँ के जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा भी आज तक लगाया नहीं गया है। ये 9 महीने से किस तरह का कार्य चल रहा है, और अच्छे खासे जो शौचालय के दरवाज़ा थे उन्हें हटा दिया गया है, जो अच्छे खासे रूम बने हुए थे उसे तोड़ दिया गया है। केवल और केवल पैसे की बर्बादी हो रही है, परंतु समस्या जस का तस बना हुआ है और 9 महीने से किस तरह का निर्माण हो रहा है ये समझ से पड़े है। वर्षों पूर्व बनाए गए इस सुलभ शौचालय का सौंदर्यीकरण कार्य प्रशंसनीय है, लेकिन कार्य की कछुआ चाल होने की वजह से आसपास के दुकानदार और बस स्टैंड आए यात्री परेशान हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।